हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर वन क्लास थ्री के चैप्टर वन में, साइंस चैप्टर वन में हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। चैप्टर वन में आपको दिया गया है फूड, फूड मींस क्या होता है भोजन, और फीडिंग हैबिट्स मींस क्या होता है खाने की आदत ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को खाने की आदत कैसे होती है, जानवर में खाने की आदत या कैसे खाते हैं जानवर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, जैसे आपको बताया जाता है कि भोजन जो है हमारे लिए ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है, हाउ डू एनिमल्स नीड फूड, और जानवरों के लिए भोजन क्यों ज़रूरी है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, जानवर जब नहीं खाएंगे तो उनकी वृद्धि नहीं होगी, नहीं, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। दूसरा है एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, जानवर यदि भोजन नहीं करें तो उन्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। और तीसरा है ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और जितने जानवर हैं वह सभी जानवर जो हैं वह अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। अब इसको आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर एनर्जी, यानी जानवर को भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उसके शरीर में वृद्धि हो तथा उसे ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो। अब आपको इसको विस्तृत रूप से बताते हैं। हैव यू सीन ए काउ ग्रेजिंग इन ए फील्ड, क्या आपने कभी गाय को चरते हुए देखा है। हैव यू सीन ए कैट कैचिंग ए माउस, क्या बिल्ली को चूहे को पकड़ते हुए आपने देखा है। दे डू सो बिकॉज दे नीड फूड, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता है, वे भोजन नहीं करेंगे तो उनके शरीर में वृद्धि नहीं होगी, उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी तथा वे जीवित ही नहीं रहेंगे, इसलिए भोजन जानवरों के लिए भी भोजन जरूरी है। एनिमल्स नीड फॉर एनर्जी, अब उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। सम एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क, कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे कार्यों में मदद करते हैं। दे नीड एनर्जी टू वर्क, और उस कार्य को करने के लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता होती है। दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव अबाउट, इसलिए वे अपने भोजन और शक्ति प्राप्त करने के लिए इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी करते हैं। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, उन्हें ऊर्जा या शक्ति तभी प्राप्त होगी जब वे भोजन करेंगे। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू वर्क एंड टू स्टे हेल्दी, इसलिए सभी जानवरों को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है उनके शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए और अपने जीवन जीने के लिए। अब आइए दूसरा, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सभी जानवर जो हैं पौधे पर ही, अपने भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर करते हैं। सम एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं ईट प्लांट्स, इसमें से भी आपको ये बताया गया कि कुछ जानवर जो हैं पौधों पर निर्भर करते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो मांस, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं या दूसरे जानवर पर निर्भर करते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों उनके लिए ज़रूरत है, यानी
कुछ जानवर जो हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, कुछ जो हैं जो दोनों चाहिए उन्हें, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, और कुछ जो हैं ओनली फ्लेश ऑफ एनिमल्स, यानी कुछ दूसरे जानवरों के मांस चाहिए, यानी उसको क्या कहते हैं जो केवल पौधों पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग हार्बीबोरस एनिमल कहते हैं, यानी शाकाहारी जानवर कहते हैं। और कुछ जानवर जो हैं दूसरे जानवर पर निर्भर करते हैं, यानी कि दूसरे जानवर को मार करके उनके मांस को खाते हैं, उसको कार्निवोरस कहते हैं। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों खाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं, यानी सर्वाहारी कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हार्बीबोरस, कार्निबोरस, ओमनीबोरस, यानी क्या है उसको, ये तीनों जानवर जो हैं उनके भोजन के, उनके आदत के अनुसार उन्हें ये तीन वर्गों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब आइए फूड फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, यानी घरेलू। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग अपने घर पर पालते हैं, रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। जो घर पर हम जानवर को पालते हैं वो हमारे लिए बहुत से कार्य करते हैं। वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव, इसलिए कि वे जब बहुत ही फुर्तीले होते हैं और कार्य करने में बहुत ही दक्ष होते हैं। एनिमल्स लाइक, जैसे वैसे जानवर जो हमारे घर पर रह करके कार्य करते हैं वे कौन है, ऑक्स, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा, ये जितने हैं यह सभी हम इनको घर पर अपने रखते हैं और ये हमारे लिए कार्य करते हैं, इसलिए हमारे लिए वे उपयोगी भी हैं। दे नीड इनर्जी गिविंग फूड, और वे कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, भोजन से, इसलिए उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। सो दे शुड बी फेड ऑन वेट एंड फॉडर, इसलिए उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क, कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें दूध प्रदान करते हैं, वह कौन है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, यह सभी है क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं। दे नीड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड, और ये तब दूध देंगे जब वे स्वस्थ रहेंगे, यानी उन्हें भी जब भोजन दिया जाएगा। सो दे शुड बी फेड ऑन ग्रास एंड ऑयल सीड केक्स, उन्हें खाने में हमें क्या देना चाहिए, उन्हें घास देना चाहिए, खरी देना चाहिए, या और जो है चोकर जो है उसको देना चाहिए, ग्रेन्स का जो बना करके दिया जाता है, ताकि उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो। अब आइए हाउ एनिमल्स फीड, जानवरों को हम कैसे खिलावें। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सभी जानवर जो हैं एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं सभी के। अभी आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि फूड हैबिट, यानी जानवरों में कैसे भोजन करते हैं। इसके पहले भी बताएं कि जानवर को भोजन के आधार पर आपको तीन वर्गों में बांटा गया, सभी जानवर एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। The feeding habits of animals depend on the type of food it eats. वे अपने आदत, अपने रहन सहन और उनके जीवन यापन के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। The mouth of animal is situated to the type of food it eats. उनके मुंह की बनावट, दांत की बनावट और खाने की आदत, ये सारे उनके बनावट के आधार पर, उनके शरीर के बनावट के आधार पर उन्हें भोजन दिया जाता है और वे अपना भोजन उसी प्रकार से करते हैं। एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड होल, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जिनके पास दांत नहीं होती है, वे केवल क्या करते हैं, वे निगल जाते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं और उसके बाद में अपना फिर उसी तरह उनके स्टोमक में, पेट में जाकर के वह डाइजेस्ट होता है, पचता है।
सम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक, जैसे कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, लाइक जैसे स्नेक्स एंड फ्रॉग स्वेलो देयर फूड होल। वे सांप जो हैं वह क्या करते हैं और फ्रॉग मेंढक जो है क्या करता है, अपना भोजन सीधे निगल जाता है, वह चबाता नहीं है, वह च्यूइंग नहीं करता है। दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड, सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। उन इसलिए उनके पास जो है वह क्या होता है, न दांत होती है चबाने के लिए, न उन्हें उनके पास दांत है, इसलिए भी अपने भोजन को सीधे स्वेलिंग कर जाते हैं। ए फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट, मेंढक जो है वह क्या खाता है, इंसेक्ट को, कीड़े मकूड़े को, तो वह कीड़े मकूड़े को सीधे वह क्या करता है कि अपने वह निगल जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग एंड एस्टिकी टॉन्ग, वह कैसे निगलता है, वह अपने लंबे और लसेदार जीभों के द्वारा वह कीट को, कीड़े मकूड़े को पकड़ता है और स्वेलिंग कर जाता है। इट शूट आउट इट्स टॉन्ग टू कैच इंसेक्ट, द इंसेक्ट दैट गेट स्टॉक ऑन द टॉन्ग मेक ए टेस्टी मील फॉर द फ्रॉग। और वहीं इसीलिए वह क्या करता, जैसे ही वह कीड़े उसके जीभ पर बैठते हैं वह तुरंत वह उस पर जा कर के सड़ जाता है और उसे वह फिर वह फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वह उस कीड़े को निगल जाता है। एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लेश, कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर को किस प्रकार से फाड़ देता है और उसके मांस को खाता है, उसके बारे में देखेंगे। सम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर को वह क्या करता है, उसके मांस को खाता है। जैसे कौन सा वैसे जानवर है, जैसे टाइगर, फॉक्सेज एंड डॉग्स च्यू फ्लेश एंड बोन्स। जैसे लायन, शेर है, बाघ है, नहीं ये लोमड़ी है, ये सारे जो हैं वह क्या करते हैं, दूसरे जानवर के मांस को और हड्डियों को खा जाते हैं। सो दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लेश, उनके सामने वाले जो दांत होते हैं वह बहुत पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसके सहारे वह मांस को चीर फाड़ देते हैं और उस मांस को खा जाते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, उनके पास यही नहीं, जो चबाने की दांत होती है वह भी जो है उससे वह अपना उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, पीस देते हैं और उसको खा जाते हैं। दांत के में भी, हम सभी के जानवर में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, दांत के प्रकार भी होते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे कि आप कैसे, किस प्रकार के, कितने प्रकार के दांत होते हैं। मुख्य रूप से दांत जो है चार प्रकार के हैं, आगे बताया जाएगा। एनिमल्स दैट गुनो, कुछ ऐसे है को जो कुतर करके खाते हैं, कुछ जानवर जो हैं वह कुतर करके खाते हैं। गुनो मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटली और च्यू इट हार्ड, कुछ ऐसे जानवर हैं जो उस अपने भोजन को कुतर कुतर करके खाते हैं। एनिमल्स लाइक रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्वायरल गिनो हैव देयर शार्प फ्रंट टीथ, वह आगे वाले अपने दांतों से, जैसे खरगोश है, चूहा है, गिलहरी है, यह सभी जो है अपने आगे वाले दांतों से, उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, उससे वह कुतर करके खाते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट इनटू सीड एंड फ्रूट्स, वह किसी भी बीज को, फल को वह कुतरने में माहिर होते हैं, उनके दांत बहुत तेज होते हैं, इसलिए वह किसी को भी वह कुतर सकते हैं। एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू कर्ड, कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास को खाते हैं। हम बहुत सारे जो हम आप लोग अपने घर पर रखे हुए हैं मवेशी को, आपने देखा होगा, जैसे गाय को, बैल को, भैंस को, वह क्या करता है, वह अपने आगे वाले दांत से वह घास को आसानी से वह काट लेता है। आप ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए देखिएगा कि उसको ऊपर वाले भाग को वह आसानी से एक बार में वह काट लेते हैं। Some grass eating animals like cow, buffalo, sheep,
फर्स्ट स्वेलो ग्रास विदाउट च्यूइंग, वह पहले क्या करते हैं कि उस घास को काट लेते हैं और काटने के बाद में सीधे वह स्वेलिंग कर जाते हैं, निगल जाते हैं, उसे वह च्यूइंग नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ्स, कुछ समय के बाद जब वह क्या करते हैं कि उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह अपने पेट के अंदर से फिर उसे थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर उसे ग्राइंडिंग करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं और तब जा कर के फिर वे स्वेलिंग करते हैं, उनकी ऐसी बनावट है। अगर हम लोग ऐसा कर दें खाना खाने के बाद में तो हम लोग अगर पेट से निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं, हम लोगों में वह शक्ति नहीं है लेकिन इस जानवर में ऐसी शक्ति है। इनके पेट में चार चैम्बर्स होते हैं, इनके स्टोमक में चार चैम्बर्स होते हैं, कहने का अर्थ ये नहीं है कि उनके पेट जो है चार होते हैं, उनके पेट में चार चैम्बर होते हैं, एक में सीधे स्वेलिंग करते हैं फिर दूसरे से वह क्या करते हैं अपने मुंह में फिर बैक कर लेते हैं और तब उसको च्यूइंग करके तब जा करके फिर स्वेलिंग करते हैं। उसके बाद में है फीडिंग हैबिट ऑफ सम अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके खाने की आदत कुछ भिन्न है, अलग है, जैसे द ट्रंक ऑफ ए एलिफेंट हेल्प्स इट टू एंड ड्रिंक, जैसे हाथी को आपने देखा है, हाथी जो है हाथी के पास एक सूंड होता है, ट्रंक मीन्स क्या होता है सूंड, वह सारा कार्य जो है अपने सूंड के द्वारा ही करती है, खाने से लेकर के पानी पीने तक या किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी कार्य जो है वह हाथी अपने सूंड के द्वारा ही करती है। इट यूज इट्स ट्रंक टू अपरूट ग्रास एंड टीयर ऑफ द ब्रांचेज फ्रॉम ट्री, वह क्या करती है कि बड़े बड़े पेड़ों के छाल को वह अपने सूंढों के द्वारा वह तोड़ देती है, छील देती है और उसको वह खाती है। द एलिफेंट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू स्टॉक अप वाटर एंड देन शूट्स ऑफ द वाटर लाइक ए फाउंटेन इनटू इट्स माउथ, वह अपने सूंढों के सहारे वह जल को भी अवशोषित करती है और फिर जाकर के सूंड से अपने मुंह में लेती है और वह उससे जल प्राप्त करती है। इट यूजेज इट्स ट्रंक टू हैव द सोअर ऑल्सो, उसके सूंड जो होते हैं वह बहुत ही मजबूत होते हैं, वह सारा कार्य जो है वह अपने सूंड के द्वारा ही करती है। उसके बाद अब कीड़े मकूड़े के बारे में जानें। एन अर्थवर्म, अर्थवर्म देखे हैं आप लोग, जब रेनी सीजन आता है तो उसमें चेरा निकलता है जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। तो अर्थवर्म अपना भोजन कैसे करता है, एन अर्थवर्म स्वेलो सॉइल विच हैज़ द पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट, आप देखते हैं कि बहुत सारे जानवर जो हैं छोटे छोटे या पौधे जो हैं वह क्या होते हैं या बड़े जानवर भी होते हैं, उन जब ये मर जाते हैं तो उनके शरीर का अवशेष भाग जो है वह मिट्टी में जा करके सड़ गल जाता है, उसी सड़े गले अवशेष को वे अर्थवर्म जो है मिट्टी के सहारे वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली, देखे हैं ये बटरफ्लाई है जे लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स, बटरफ्लाई के पास आप जैसे मच्छर मॉस्किटो को भी देखे हैं, बटरफ्लाई के बटरफ्लाई तितली भी देखे हैं, वह क्या करता है उनके पास एक ट्यूब लाइक होता है यानी बहुत सा एक लंबा जो होता है पतला उनके पास जो होता है वह नीडिल होता है, उस नीडिल के सहारे वे क्या करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इट यूजेज दिस टू ट्रंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वे फूलों पर बैठते हैं और उस नेक्टर के सहारे वे फूल के रस को वे चूस लेते हैं। मॉस्किटो एंड लीचेज सक ब्लड्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे मॉस्किटो हमारे शरीर पर या जानवर के किसी शरीर पर बैठता है तो वह क्या करता है वह भी उनके शरीर के ब्लड को उनके खून को चूस लेता है अपने नेक्टर के सहारे और उससे वह अपना भोजन प्राप्त करता है। डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर,
इसलिए घरेलू जानवर को हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे, जो हम अपने घर पर पालते हैं पोसते हैं उसका ध्यान हम कैसे करेंगे। ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर, सभी जानवर जो होते हैं सभी जानवर को भी आप उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जानवर भी हम लोग ऐसे भी हिंदी में या ऐसे भी देखते हैं कि बड़े बड़े विशालकाय जानवर को भी हम पालतू बना लेते हैं और वह हमें कोई हार्मफुल नहीं करता, यानी कोई हमें हानिकारक नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि जानवर भी प्यार का भूखा होता है, जानवर को भी आप प्यार देंगे तो वह भी आपके लिए हानि नहीं पहुँचाएगा। तो जो हम लोग अपने घर पर जानवर रखते हैं उस जानवर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे बोल नहीं सकते, वे कह नहीं सकते हैं, नहीं केवल हम लोग उनकी आदतों को देख करके अनुभव करते हैं और उससे उनकी सुरक्षा करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स सर्व अस वेल इफ वी टेक गुड केयर ऑफ देम, जितने भी घरेलू जानवर हैं उन सभी जानवरों को हमें सेवा करनी चाहिए और उनका उचित ध्यान देना चाहिए। फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन क्लीन विसेल्स, यानी जब भी उन्हें हम भोजन करावें या जल दें तो किसी भी पात्र को साफ करके ही दें, या यह नहीं समझें कि किसी तरह यह जानवर है किसी भी पात्र में इसे भोजन दे दीजिए इसे जल पिला दीजिए, ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि जानवर जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। देयर शेल्टर मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, जहाँ रखा जाता है जिस जानवर को हम लोग अपने घर में रहते हैं तो अपने घर की सफाई करते हैं कि नहीं, ठीक उसी प्रकार जानवर जहाँ रखा जाता है उस स्थान को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सिक एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड इन टाइम, यदि कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो उसका तुरंत इलाज भी कराना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, और जानवरों के प्रति हमें दया भाव भी रखनी चाहिए, उन्हें भी प्यार देना चाहिए। अब यह चैप्टर हम लोग को समाप्त हो गया, अब आप इसे पढ़ेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव है वह सभी बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आप भेज सकते हैं, वह प्रॉब्लम आपको दूर किया जाएगा। लेकिन आप घर पर बैठ करके सारा यह पढ़ेंगे, जो वर्ड मीनिंग का भी प्रॉब्लम होगा उस वर्ड मीनिंग को भी आप पूछ सकते हैं, घर में हो तो किसी से पूछें या नहीं कोई है तो आपके लिए यह है कि तुरंत वहाँ से कॉल करें, इसको बता दिया जाएगा। ठीक है।